Assalamu alaikum. Welcome to Bidar campus of Shaheen. आज हम लोग चलते हैं शाहीन के एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट AICU के एक टूर पर, तो आइए मेरे साथ। इस वक्त यहाँ पे शाहीन AICU की क्लासेस चल रही हैं। आइए हम लोग बात करते हैं कुछ स्टूडेंट्स से। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुजाहिद अशरफ है, मैं UP से हूँ। माशाल्लाह। तो इससे पहले आपने क्या पढ़ाई की हुई है यहाँ आने से पहले? मैं मदरसे में दर्जे 5 तक पढ़ा, फिर उसके बाद हिफ्ज़ किया, हिफ्ज़ करने के बाद यहाँ आया। अच्छा, हिफ्ज़ के अलावा और कोई पढ़ाई नहीं की थी, हिफ्ज़ करके सीधे यहाँ पे आ गया जी। यहाँ आकर आपने क्या क्या सीखा है? जी बहुत कुछ सीखा यहाँ पे आके। इंग्लिश मेरी बहुत वीक थी, मैथ भी थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं आता था। यहाँ पे आके मैं ए ग्रेड में हूँ, इंग्लिश भी आ गई हूँ थोड़ा। अच्छा, कितने वक्त से आप यहाँ पर हैं अभी? मेरे को आए यहाँ पे 1 महीना हुआ। और 1 महीने में आप दिखा सकते हैं क्या आपने सीखा है, क्या काम कर रहे हैं अभी आप? जी इंग्लिश क्लास चल रही है अभी जी। इंग्लिश इसके अलावा और कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? मैथ। दिखा सकते हैं क्या? माशाल्लाह, ये तो आप 1 महीने में काफ़ी तेज़ी के साथ काफ़ी चीज़ें आप सीख गए हैं। इसके बाद क्या प्लान है आपका आगे लाइफ में? जी मेरा प्लान है डॉक्टर बनने का आगे। इंशाल्लाह। और कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? जी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे। तो इस वक्त ये काफ़ी खुशी के साथ यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं और लग रहा है कि काफ़ी फ़ायदा भी उठा रहे हैं। यहाँ इस वक्त और बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग बात करते हैं एक और बच्चे से। बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद जैद है। माशाल्लाह। कहाँ से हैं आप? मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। क्या पढ़ाई करके आप यहाँ पर आए हैं? मैं 5th तक स्कूल पढ़ा हूँ, उसके बाद हिफ्ज़ करने के लिए मदरसा में गए थे जी। फिर मदरसे से हिफ्ज़ करके डायरेक्ट यहाँ पर आए हैं। अच्छा, इस वक्त आप किस क्लास की पढ़ाई कर रहे हैं? जी मैं जूनियर 10th में हूँ, 1 वीक से अटेंड कर रहा हूँ जूनियर 10th। उससे पहले AICU में बैठे थे 3 वीक्स तक। 3 वीक्स में AICU में मैं मैथ बहुत वीक था मेरा जी। एकदम वीक था, उसको वो परफेक्ट हुआ। उसके बाद साइंस भी बहुत वीक था, वो भी पढ़े। और मेरे लिए जो एक नई भाषा थी बिल्कुल कन्नड़। अच्छा। भी मैं सीख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें भी बहुत सारा लिखने आ गया। आप तो महाराष्ट्र से हैं जी और कन्नड़ भी सीख रहे हैं जी। माशाल्लाह। दिखाएं क्या आप सीख रहे हैं ये? हाँ, ये तो आप बहुत तेज़ी के साथ सीखना आप जी जी। टीचर लोग मेहनत करते हैं सर जी, इसलिए बहुत मज़ा आ रहा है। और आगे चल के आप क्या करना चाहते हैं, क्या प्लान है आपका? इंशाल्लाह सर MBBS करेंगे इंशाल्लाह, है ना। हम लोग बात कर रहे हैं जैद से, जिनका इरादा है मुस्तकबिल में डॉक्टर बनने का इंशाल्लाह। शाहीन के AICU में जो सिस्टम है वो ये है कि एक टीचर कम काउंसलर कम मेंटर 6 स्टूडेंट्स के साथ बैठते हैं और हर एक पर उनके ज़रूरत के हिसाब से उनको काम देते हैं, उनको पढ़ाते हैं और उनको मश्क करने के लिए देते हैं। यही सिलसिला यहाँ पर चल रहा है, एक टीचर और 6 स्टूडेंट्स। अब हम लोग बात करते हैं ऐसे ही एक काउंसलर टीचर मेंटर, सब कुछ यहाँ एक साथ ही हैं। वो यहाँ पर बच्चों की काउंसलिंग चल रही है, हम लोग बात करते हैं काउंसलर मैम से। मैम अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैम आपका नाम क्या है और कब से आप यहाँ पढ़ा रहे हैं? मेरा नाम सैयदा जबीन फातिमा है, मैं 3 या 4 साल से जॉब कर रही हूँ यहाँ पे। तो किस तरह से आप यहाँ पे बच्चों की काउंसलिंग करते हैं, कैसे मॉनिटर करते हैं बच्चों को? यहाँ पे क्लास और होमवर्क चेक किया जाता है,
कम से कम उनके 5-5 पेज क्लास वर्क होना, 5 पेज होमवर्क होना उनके। अगर कुछ रीज़न है बच्चे का, तबीयत ख़राब थी उस वजह से क्लास वर्क नहीं हुआ या होमवर्क नहीं हुआ, जैसे कि यहाँ पे क्लास वर्क होमवर्क है 3-3 पेज लिए, क्या वजह से लिए बच्चा, ये आपने पूरा रिकॉर्ड बना के रखा हुआ है, माशाल्लाह, दिखा सकते हैं हमें? हाँ, यहाँ पे होमवर्क है, यहाँ पे क्लास वर्क है, बोलते चाहिए थोड़ा सा, और यहाँ पे रीज़न लिखे जाते हैं, जो बच्चे को परेशानी है वो परेशानी उसकी हल की जाती है, या तबीयत ख़राब है वो बच्चे की। यहाँ पर काम करके आपको कैसा लग रहा है, मतलब अच्छा लगता है काम करके, मज़ा आता है? बिल्कुल, बहुत बहुत खुशी होती है, कुछ बच्चों के लिए हम कुछ मेहनत कर रहे हैं या कुछ उनकी मदद कर रहे हैं, क्योंकि हाफिज़ बच्चे हैं, वैसे बच्चों की हम मदद कर रहे जैसा होता है, कुछ मैं बहुत बहुत खुशी होती है। हम लोग बात कर रहे थे जबीन मैम से, जो कि पिछले 3-4 साल से AICU में बच्चों की काउंसलिंग करती हैं। हम लोग इस वक्त हैं मेहर मैम के साथ, जो कि शाहीन AICU प्रोग्राम को मैनेज करती हैं। मेहर मैम, ये जो हमने तो ICU हमेशा सुना है कि ICU हॉस्पिटल्स में होता है इमरजेंसी पेशेंट्स के लिए, ये एकेडमिक ICU शाहीन का AICU क्या चीज़ है? आपका सवाल बड़ा अच्छा है। बिल्कुल, हर जगह ICU होना ज़रूरी है। जैसे हॉस्पिटल का मकसद यह है कि जनरल वार्ड में अगर पेशेंट सही नहीं होता तो उसको स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है, फिर उस स्पेशल केयर के बाद वो इम्प्रूव होता है। उसी तरीके से क्लासेस में बच्चे जब इम्प्रूव नहीं होते तो उनको भी स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है, लिहाजा स्कूलों में AICU होना ज़रूरी है। उसी मकसद के लिए हमारे पास AICU अभी हिंदुस्तान भर में हम चला रहे, तो AICU में बच्चे को जब यहाँ पर लाया जाता है, वीक जो मजामीन में वीक होता है, सब्जेक्ट में वीक होता है अपनी क्लास में, तो वो AICU में उसको इम्प्रूव करते हैं। और उसके अलावा भी जो बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं उन बच्चों को भी यहाँ पर एडमिशन करके उनको इम्प्रूव करके फिर उनके एज के हिसाब से उनकी क्लास में हम दाखिल करते हैं। और दीनी मदारिस से फारिग बच्चे जो असरी तालीम बिल्कुल नहीं पढ़े, किसी भी स्कूल को नहीं गए, वैसे बच्चों को भी हम AICU में फाउंडेशन कोर्स करा के उनके एज के हिसाब से उनके क्लासेस में डालते हैं। और 5 साल से हिंदुस्तान भर के सारे हफाज यहाँ पर आकर फ़ायदा उठा रहे हैं। हमारे ये AICU में सबसे पहले बैच का बच्चा जो अबू सुफियान है, जिसका मेडिकल कंप्लीट हुआ, सिर्फ कई बच्चे हैं यहाँ पर हाफिज बच्चे जो यहाँ पर AICU में आने के बाद अलग अलग फील्ड में वहाँ पर वो अभी फ़ायदा उठा रहे हैं। हम घूम के आए शाहीन के एकेडमिक ICU या AICU प्रोग्राम से। ये प्रोग्राम उन बच्चों के लिए है जो के हाफिज़ या आलिम हो, असरी पढ़ाई ना की हो, या फिर पढ़ाई में बहुत कमज़ोर हो, या फिर ड्रॉप आउट कर चुके हों। उन बच्चों के लिए 6 बच्चों को मिलाकर एक टीचर उन पर मेहनत करता है। कुल एक वक्त पर यहाँ पर 150 से 200 बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं, और 3-4 काउंसलर हैं जो रोज़ाना हर बच्चे से बात करके उनकी परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करते हैं और मॉनिटर करते हैं। यहाँ से बच्चे पढ़कर रेगुलर पढ़ाई को ज्वाइन करते हैं, और कई बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर पढ़ाई को ज्वाइन करके अपने अपने फील्ड में कामयाब रहे हैं।